नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएसएन 7 न्यूज़ में, हम अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कस्बों में जाके। 2 साल पूरे हो चुके हैं और 3रे साल की शुरुआत हो गई है। सभी कस्बों में बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। सरदना आपका, बहसूमा, मवाना, हर जगह हमने आपको दिखाया। इसी को चलते आज हम पहुँचे हैं दुराला कस्बे में। एक नामी कस्बा है दुराला, आपको बताते चलें। और जो उसके चेयरमैन है हमारे साथ नवीन कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम सर से जानेंगे कि इस साल में बहुत सारे विकास होने हैं दुराला को और आगे लेके जाना है, तो किस तरह से विकास कार्यों की यहाँ पर योजना बनाई गई है इस साल की, तो हम सर से जान लेते हैं। नमस्कार। हमारी योजना, हमारी नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत हुई है अभी। हमने अभी 4.5 करोड़ रुपए के काम छोड़ने हैं, जैसे पेयजल। हमारी योजना है कि हम कस्बेवासियों को ताज़ा पानी यूज करें, ताज़ा पानी पिए हमारे कस्बे वाले, इसलिए हम समर से भी लगवा रहे हैं और पाइपलाइन लगा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की है, क्योंकि पानी दूषित बहुत ज़्यादा। हाँ, इसलिए हम समर से भी लगा रहे हैं अपनी टंकियों पर, जिससे कि कस्बे को ताज़ा पानी मिल सके। सर, इसके अलावा जो मैं रास्तों की बात करूँ तो RCC रोड भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं, मेटेरियल बहुत अच्छा यूज़ हुआ है रास्तों में भी। हाँ, तो कोई यहाँ पर रास्ते बचे हैं फिलहाल? रास्ता कोई नहीं बचा, ज़्यादातर रास्ते सब पक्के हैं। हमने अभी एक स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं 5 किलोमीटर में अपनी नगर पंचायत में। एक झंडे का टेंडर करा है अभी। एक स्टेडियम बना रहे हैं, एक पार्क बना रहे हैं, एक हम अपनी काली सड़क बना रहे हैं मिल की, जो हमारे गांव से होती हुई जाती है दूसरे गांव में। एक हम झोड़ की सफाई और झोड़ की बाउंड्री कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, लगातार तेजी के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं। अभी 2 साल ही पूरे हुए, 3 साल आपको लगा है, तो विकास कार्य बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। एक हम अभी लाइब्रेरी का टेंडर छोड़ने वाले हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं लाउड वाले चोपले में पानी की टंकी के पास। तो इसके अलावा सर, अगर हम बात करें आवास को लेके, आवास वगैरह बने दुराला? हमारे यहाँ 550 आवास अब तक बन चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और हमने 500 शौचालय बनवाए घर घर में। कोई भी हमारे यहाँ ऐसा घर नहीं जिस घर में सरकारी शौचालय या प्राइवेट, मतलब शौचालय है कैसा भी है, वो हर घर में शौचालय। कोई नहीं जाता। हमने पिंक टॉयलेट बनवाए, वैसे कम्युनिटी टॉयलेट बनवाए जगह जगह पर। तो सर, आपके सवाल है आपसे, आज अगर हम 1 साल बाद आके चेक करें देखें तो और बदलाव नजर आएगा, बहुत विकास की ओर। और अभी हम और योजनाएं लाएंगे, मोदी जी की जैसी भी योजनाएं चलेंगी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में लाने का और लागू करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा जो चेयरमैन सर हैं, उनका बयान आ चुका है, उनका साफ कहना है यहाँ पर अब फिलहाल समर से भी लगाए जा रहे हैं। सर की जो मेन जो टारगेट है वो लोगों को स्वच्छ पानी देना, अच्छा पानी देना उनको मेन टारगेट है, उसको पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े विकास कार्य हैं, लाइब्रेरी, स्टेडियम, इसके अलावा और भी यहाँ पर रास्ते यहाँ पर सारे बन चुके हैं, लाइटों का काम यहाँ पर प्रोसेसिंग में है। और इसके अलावा बता दें, और जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सारे विकास कार्य यहाँ पर तेज़ी के साथ चल रहे हैं। तो 1 साल बाद भी आप देखेंगे बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, आईएसएन 7। मैं नवीन कुमार शर्मा, चेयरपर्सन नगर पंचायत दुराला, अपनी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हेलो, मैं प्रवेश सैनी, गणतंत्र दिवस की नाम तरफ से शुभकामनाएं देता हूं सभी शहरवासियों को।